आशिकों, एक इलेक्ट्रिक गाड़ी, एक अच्छी कंपनी की इलेक्ट्रिक गाड़ी 2.5 साल के बाद और लगभग 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद आज कितने किलोमीटर की रेंज दे रही होगी, इस बात का आंसर आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, क्योंकि भाई मुझे भी नहीं पता। तो इसी बात का आंसर निकालने के लिए भाई मैं आ गया हूँ अपने A450X पे रेंज टेस्ट करने के लिए। ये जो है जनरेशन 2 मॉडल है, और रेंज टेस्ट करने से आप लोगों को पता चल जाएगा और मुझे भी पता चल जाएगा। तो भाई चलो अपन शुरू करते हैं। ये जो है इसकी चाबी है, और ये मैंने इसको यहाँ पे लगा के इसको स्टार्ट कर दिया है। आप देखेंगे कि ये एक्चुअल में, सबसे पहले तो हम इसकी ट्रिप को ज़ीरो कर लेते हैं, क्योंकि भाई रेंज टेस्ट करना, ताकि आप लोग के सामने भी सारे चीज़ें हों। तो दबा के रखेंगे इसको ट्रिप को, और रीसेट का ऑप्शन आ गया है यहाँ पे, यस कर देंगे इसको, तो ये ट्रिप जो है इसका ज़ीरो हो चुका है। अगर मैं आपको इसको ऑटो दिखाऊँ, तो इसका जो ऑटो है वो ऑलमोस्ट 29,000 किलोमीटर है। मैंने आपको 30,000 बोला है, ऑलमोस्ट 29,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। तो हम इसको वापस ट्रिप पे ले आते हैं। 97% चार्ज है, मतलब मैं घर से इसको अभी, क्योंकि जगह पे लेके आऊँ जहाँ पे मैं वीडियो बना सकूँ, तो 97% चार्ज है बैटरी। और इकोनॉमी मोड के ऊपर 82 किलोमीटर रेंज है। हम लोग इसको स्पोर्ट्स मोड पे रखेंगे। स्पोर्ट्स मोड पर रहने से बेनिफिट ये है कि स्पोर्ट्स मोड पे मुझे वो थोड़ी स्पीड मिल जाएगी, और इकोनॉमी मोड और राइड मोड थोड़े से स्लो भी होते हैं। तो स्पोर्ट्स मोड के ऊपर हम वैसी गाड़ी चलाएंगे, मतलब कहीं पे अगर हमें ट्रैफिक तेज़ मिलेगा, मतलब गाड़ियाँ अगर तेज़ चल रही होंगी तो हम थोड़ा तेज़ भी चला लेंगे, कहीं पे अगर ट्रैफिक स्लो होगा, हमें धीरे चलाना होगा, तो हम धीरे भी चला लेंगे। तो हम स्पोर्ट्स मोड के ऊपर रेंज टेस्ट कर रहे हैं। गाड़ी पे जो वेट है वो ऑलमोस्ट 60 kg के आसपास है, मेरा जो वेट है वो 60 kg के आसपास है। और सिंगल पे कर रहे हैं हम लोग रेंज टेस्ट, दो बंदे नहीं है। 12:47 टाइम हुआ है, तो मैं आपको बीच बीच में टाइम और रेंज दोनों बताते आऊँगा, ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट आइडिया हो जाए कि कितने की रेंज मिलने वाली है। स्पोर्ट्स मोड में ये 97% बैटरी पर 58 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, और अभी टाइम हो रहा है 12:47। चलो भाई शुरू करते हैं। सो भाई हम लगभग 16 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं, अभी 1:22 हो रहे हैं, और मैं आपको बता देता हूँ हमारी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। एवरेज स्पीड अभी शो कर रहा है 25 किलोमीटर की, और एग्जैक्टली अगर बोलूँ तो 16.2 किलोमीटर गाड़ी अब तक चल चुकी है। ये देखो भाई, अब रिक्शा के ऊपर जो है खटिया जा रहा है, तो इंडिया में यार लोग कुछ भी कर लेते यार, बहुत जुगाड़ भाई इंडिया के अंदर लोग भाई। तो जब मैंने इनिशियली प्लान किया था इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का, तब सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर महंगे आते थे, और एतर तब भी सबसे महंगा ही स्कूटर था। पर जब मैंने इसे चला के देखा, तब इसकी परफॉर्मेंस से मैं काफ़ी इम्प्रेस हो गया था। हो सकता है आप लोगों का पर्सपेक्टिव अलग हो, इसलिए मैं कहता हूँ टेस्ट राइड लिए बिना कोई भी स्कूटर लेना गलत डिसीजन होगा। तो भाई टाइम हो चुका है 1:56 का, हमने स्पोर्ट्स मोड के ऊपर ही गाड़ी चलाई हुई है। 50% बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो चुकी है, 50% बची है, 31 किलोमीटर की रेंज बची है, और 30.7 किलोमीटर हम लोग गाड़ी चला चुके हैं। तो भाई जिस हिसाब से मैं गाड़ी भगा रहा हूँ, उस हिसाब से तो मेरे को अभी तक तो रेंज सही मिली है, पर देखते हैं हम लोग के एंड में हमें कितने की रेंज मिलती है एग्जैक्टली। और भाई देख लो भाई, यहाँ बढ़िया लोग मछली पकड़ रहे हैं, संडे वाला दिन है, और मैं थोड़ा हाईवे के ऊपर भी आ गया हूँ, ताकि मैं थोड़ा और गाड़ी भगा के, क्योंकि भोपाल उतना बड़ा नहीं है, तो बाकी रोड मैंने बीच वाले कवर कर लिए थे, वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तो टाइम ज़्यादा लगता, तो एवरेज स्पीड जो है उस पर आप कम दिखाई देता, जबकि मैं गाड़ी जो चला रहा हूँ वो भगा रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे भी मैं गाड़ी रोकता और वहाँ पे लंबे टाइम के लिए गाड़ी रुकती, तो एवरेज स्पीड जो है वो बहुत कम शो करता है, क्योंकि वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए जो है मैं इसको हाईवे के ऊपर भी ले आया हूँ। और भाई दिलचस्प होगा देखना कि 2.5 साल पुरानी गाड़ी, 30,000 किलोमीटर पुरानी गाड़ी, मतलब 30,000 किलोमीटर तो चल चुकी है, वो गाड़ी आज कितने की रेंज दे रही है। और ये जो 450+ मॉडल था, यह आपको एक्चुअल में इकोनॉमी मोड पे 85 किलोमीटर की रेंज देता था, आज देखते हैं कितनी रेंज निकलती है। चलो अब टाइम हो चुका है 2:20, 20% बैटरी जो है वो बची हुई है हमारी, 14 किलोमीटर की रेंज बची है, और 48 किलोमीटर जो है वो गाड़ी चल चुकी है। आपको इनसाइट दे देता हूँ, जब हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, बिल्कुल स्पोर्ट्स मोड लगाया था, उस टाइम पे 58 किलोमीटर की रेंज दिखाई थी कि गाड़ी हमें 58 किलोमीटर की रेंज दे देगी, और अभी 48 किलोमीटर की रेंज चल चुकी है, मतलब 10 किलोमीटर की रेंज जो है वो कमी दिखा रहा है, और अभी इसमें दिखा रहा है कि आप 14 किलोमीटर गाड़ी चला सकते हो। देखते हैं भाई एंड में कितनी चलती है। भाई लोग 58 किलोमीटर तो गाड़ी चल चुकी है, मतलब कि जो रेंज हमें शुरू में शो हुई थी कि 97% बैटरी पे इतनी किलोमीटर गाड़ी चलेगी स्पोर्ट्स मोड के ऊपर, उतनी तो चल चुकी है। 20% से पे गाड़ी नीचे आई थी, तो इकोनॉमी मोड लग गया था। इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऐसा होता है बाय डिफ़ॉल्ट बैटरी, क्योंकि आप ज़्यादा किलोमीटर ट्रैवल कर पाओ, इसलिए कंपनी वाले जो हैं वो लिमिट लगा देते हैं कि 20% से बैटरी नीचे होगी तो इकोनॉमी मोड लग जाएगा, ताकि आप गाड़ी तेज़ ना चलाओ और आराम से आपको रेंज ज़्यादा मिले। 5% बैटरी हो चुकी है, इसलिए रेड साइन होके ये बंद और चालू हो रहा है सिग्नल जो है इसका। 2:46 हो चुके हैं, अभी हम इसको और चलाएंगे
और देख बिल्कुल एंड पे लेके जाएंगे ना, धक्का लगाना पड़ेगा। देखते हैं कितनी रेंज मिल रही है भाई। बिल्कुल 2 किलोमीटर की रेंज जो है बची हुई है, 3% बैटरी जो है वो चार्ज बची है, ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है भाई। मान गए एथर की एक्यूरेसी को, 58 दिखाया था, अच्छी खासी गाड़ी भगाई है, इसके बाद भी 60 किलोमीटर की जो है वो रेंज मिल चुकी है। और मैं आपको यहाँ पर इनसाइट दे देता हूँ, जैसे ये गाड़ी 30,000 किलोमीटर चल चुकी है, 2.5 साल पुरानी है, मेरा फादर इस गाड़ी को चलाते हैं, तो भाई थोड़ा डिग्रेडेशन तो इसके अंदर हुआ है। अगर डबल में वो चलाओ तो वो पता चलता है, सिंगल के अंदर वो पता चला नहीं इतना, और लेकिन डबल में आपको डिग्रेडेशन जरूर पता चलेगा इसके अंदर भाई। मुझे बिल्कुल एंड तक लेके जाना है इसको, जब मुझे धक्का लगाना पड़े। और एक्चुअल में रेंज टेस्ट ना वैसा ही होना चाहिए कि आपको एंड में बिल्कुल धक्का लगाना पड़े बैटरी के, स्कूटर के अंदर, ताकि एग्जैक्ट आपको आइडिया लगे कि निचोड़ लेने पर बिल्कुल बैटरी को कितनी रेंज मिलती है भाई। 0% बैटरी बची, मतलब 1% बैटरी बची हुई है, 0 की रेंज बची हुई है। अब ये कभी बंद हो जाएगी देखना आप, तो आपके सामने मैं इसको रिकॉर्ड ही करूँगा पूरा। तो 0% बैटरी हो चुकी है, 0 किलोमीटर की रेंज है, देख लेते हैं भाई कितनी चलने वाली है ये। पर मैं आपको इससे पहले यहाँ का इनसाइड दे देता हूँ एक बार। 61.7 किलोमीटर की रेंज मिली है हमें, एग्जैक्ट 3:05 हो चुके हैं, बस पूरा सब कुछ बंद होने वाला होगा अब तो थोड़ी देर के अंदर, पूरा डिस्प्ले बंद हो जाएगा। मतलब वो अगर आपने आयरन मैन देखी हो तो जो उसमें टोनी स्टार्क का जो कवच होता है वो जैसे बंद होता है ना बिल्कुल, जब बैटरी ख़त्म हो जाती है एंड में बिल्कुल, वैसे ही ये भी बंद होने वाली होगी। और वो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ये देखो भाई रेस छोड़ दी है गाड़ी ने, मतलब अब बिल्कुल बंद हो चुकी है। सो भाई धक्का मारना पड़ रहा है बिल्कुल, बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुकी है। और एक्चुअल में रेंज टेस्ट तो ऐसा ही होना चाहिए कि आपको एंड में बिल्कुल गाड़ी को धक्का मारना पड़े, ताकि बिल्कुल आप बैटरी को निचोड़ लो 0% तक। और ये गाड़ी जो है ये 2.5 साल पुरानी गाड़ी है, 30,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, और भाई कमाल की रेंज मिली है। मतलब एथर जो है इस मामले में अच्छा काम करता है कि जितनी रेंज इस पर दिखाता है उससे ज़्यादा ही रेंज मिली है, उससे कम रेंज नहीं मिली है। सो भाई आप चल के पहले इसको चार्ज कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कितनी रेंज मिली है। जाओ भाई अभी तो चार्ज पे लगा लेते हैं। एग्जैक्ट देख लेते हैं, 3:07 हुए हैं, 0% बैटरी, 0 किलोमीटर रेंज, 62 किलोमीटर का रेंज मिला है, 58 किलोमीटर शो हुआ था स्पोर्ट्स मोड के ऊपर, और हमने 98 या 97 पे चालू किया था। तो मतलब आप मोटा मोटा ये मान सकते हो कि ऑलमोस्ट 65 किलोमीटर की रेंज जो है इस गाड़ी ने निकाली है। 2.5 साल पुरानी गाड़ी है, लगभग 30,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। एथर को मान गए हैं भाई, शाबाश बेटा एथर, आज भी तुमने इतनी एक्यूरेट गाड़ी तुम्हारी चल रही है कि जो डिस्प्ले पर दिखाता है वो रेंज मिलती है। और इसीलिए भाई इलेक्ट्रिक गाड़ियों में एथर जो है वो सबसे भरोसेमंद मानता हूँ मैं। रेंज चेस कर लिया है भाई 2.5 साल पुराने गाड़ी पे, और अच्छी खासी रेंज मिली है। आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे इस गाड़ी से रिलेटेड, मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखे हैं, पेट्रोल वर्सेस ईवी, और इस गाड़ी का क्या क्या दिक्कत आई, हमने कितने कितने पैसे खर्च किए आप बता के देख लीजिएगा। अरे अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, इस गाड़ी से रिलेटेड, तो मैंने मुझसे पूछ लीजिएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।